गर्मी का मौसम आते ही कई बीमारियों को साथ लेकर आता है। कुछ बीमारियां तो सामान्य होती हैं जिनका इलाज आसानी से हो जाता है, जबकि कुछ बीमारियां गंभीर होती हैं। अगर इन बीमारियों का सही समय पर इलाज ना करें तो ये घातक रूप ले लेती हैं। गर्मी में होने वाली ऐसी ही बीमारियों के बारे में बता रहे हैं उछला के डॉक्टर सपन गुप्ता, जिससे आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है। डॉक्टर सपन गुप्ता ने बताया कि ज़्यादा तापमान होने की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन होने लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी या फिर लिक्विड लेना चाहिए, जिससे वो इन मौसमी बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। इतने टाइम सर गर्मी काफ़ी पड़ रही है, बदलते मौसम में काफ़ी बीमारी भी हो रही है, किस किस बीमारी आ रही है, यहाँ पर कैसे बचाव करना चाहिए? जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें हमारे बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स और अभी जो डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स, इनको लाइक गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में जितने भी लोग हैं उनसे ये अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी वगैरह या लिक्विड वगैरह एडिक्वेट जो है मात्रा में लेते रहें, ताकि जो है उनको हाइड्रेशन वगैरह ना हो और उनको जो है गर्मी में आराम मिल सके। सपन जी, अपनी ओर से, आप हॉस्पिटल की ओर से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत अगर ज़रूरी हो काम से तो अपने घर से निकलें, अन्यथा जो है गर्मी पर अपने आप को बचा के रखें, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से तला चिकना भोजन कम खाएं, सुपाच्य भोजन खाएं, हरी पत्तियां सब्जियां खाएं, लिक्विड ज़्यादा मात्रा में लें और